here to subscribe. मैनी में कुछ खास है। एक बहुत ही अच्छा दिन और ये आ रहा है टीटी पो। हेलो मिस्टर हब। ओ टीटी पो, गुड मॉर्निंग। आज तुम बंदरगाह जा रहे हो ना? हाँ। मिस्टर हब, काम के लिए तैयार हूँ। ओ आ गए तुम, इससे मिलो। ये है टीटी पो और ये है मैनी, इस शहर की नई मालगाड़ी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। तुम दोनों ही बंदरगाह जा रहे हो, इसलिए तुम साथ साथ जा सकते हो। तुम आगे आगे चलो। ठीक है। टीटी पो और मैनी बंदरगाह के लिए चल पड़े। काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। मजा आएगा। वो सब तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। आ, यहाँ एक और तुम्हारी जैसी ट्रेन है, डीजल। अच्छा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इससे पहले तुम क्या काम करते थे? मैं खदान में काम करता था। अरे वाह, मैं एक खदान में जा चुका हूँ, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन खदान में हमेशा सावधान रहना होता है। क्यों? पता है, एक बार एक सुरंग टूटकर मुझ पर गिर गई थी। तो फिर तुमने क्या किया मैनी? मैं चट्टानों को तोड़ता हुआ बाहर निकल आया। तुम चट्टानों के बीच से निकल आए? कितने मजबूत और बहादुर हो। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मुझे लगता है हम पहुंचने वाले हैं। जल्दी पहुंच गए। सुनो मैनी, बाद में मुझे ऐसे और किस्से सुनाओगे? जरूर सुनाऊंगा। बाय टीटी पो, अच्छे से काम करना। बाय, बाद में मिलते हैं। यही वो बंदरगाह है जहां मैनी काम करता है। अगली मालगाड़ी। यहाँ हूँ मैं। मैं आ गया। ओह, तुम जरूर नई मालगाड़ी हो। हाँ, मेरा नाम मैनी है। दमदार मैनी, चलो शुरू करते हैं फिर। जरूर। आप सबका स्वागत है। कैसी है टीटी पो? हेलो। हाय। ओह, ये तो मैनी है। तो पीछे के हिस्से में भी सामान रख दूं? जरूर, मैं आगे निकल जाता हूँ। लेकिन क्यों? अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ तो तुम्हें लोड करने में आसानी होगी। ओह, तुमने काफी कमाल का सोचा। ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। वाह, मैनी कितना अच्छा है। काम खत्म करने के बाद टीटी पो चूचू शहर में वापस आ गया। हाय दोस्तों। हाय टीटी पो। तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ। आज जो नई रेल आई है तुम उसे जानते हो? क्या नई रेल आई है? अरे हाँ, तुम अब तक नहीं मिले। उस मालगाड़ी का नाम है मैनी। नई मालगाड़ी आई है? हाँ, नारंगी रंग पे पीली और काली धारियां हैं। उसकी आवाज भारी है और काम जबरदस्त करता है। एक नई रेल जबरदस्त कैसे हो सकती है? सच कह रहा हूँ, मैंने देखा, उसकी तारीफ भी हो रही थी। कमाल की बात है ये। एक बार खदान की सुरंग गिर गई थी और वो उसमें फंस गया था, फिर वो चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर आ गया। वाह, कमाल है। सच में क्या? डीजल, क्या तुम सोच रहे हो मैनी तुमसे ज्यादा ताकतवर है? ये बात नहीं। बंदरगाह जाने का समय हो रहा है, तैयार हो जाओ। ठीक है। जीनी और सिंह सिंह, तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं टीटी पो। ठीक है। वाह, बहुत सुंदर। सतरंगे रंग पर पीली काली धारियां, टीटी पो ने तुम्हारे बारे में बताया था। ओ? तुम नई ट्रेन हो, है ना? ओ, हाँ, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो इसकी आवाज भारी नहीं लगी। तो तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं फूलों को देख रहा था। कितने सुंदर फूल है ना? सच में मुझे भी फूल पसंद है। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ बहुत सारे फूल है, किसी दिन चलोगे? जरूर चलूँगा। मुझे काम है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे भी जाना है। फिर मिलेंगे। डीजल बंदरगाह में पहुँच गया है।
ठीक है, लोडिंग शुरू कर दो। ए, एक और नया बच्चा। ओ? तुम जरूर चूचू शहर में आई नई मालगाड़ी हो। स्वागत है बच्चे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओ, ये जरूर मैनी होगा जिसके बारे में टीटीपो ने बताया था। देखते हैं कितनी ताकत है इसमें। अब सामान रखना शुरू करता हूँ। रख रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक जगह खड़ा हुआ हूँ। मुझे तो ठीक जगह ही लग रहे हो। नियम तो नियम होते हैं, निशान पर ही रुकना चाहिए। यहाँ अब शुरू कर दीजिए। नियमों को काफी मानने वाले हो। चलो अब मैं रखता हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज सर, कंटेनर्स आराम से रखिए आप। हाँ? क्यों? मेरी बोगी पर खरोंच आ सकती है। ठीक है तो मैं आराम से रख देता हूँ। आपका शुक्रिया। अजीब बात है, मैंने सोचा था ये ताकतवर होगा। शायद टीटीपो को इसके बारे में पता नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कोई भी मालगाड़ी मुझसे मजबूत नहीं हो सकती। टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। हाय डीजल। मैंने मैनी को देखा। अच्छा, वो बहुत मजबूत है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो इस बात से एकदम उल्टा है। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा उसे। वो तो सामान को लोड करवाने में भी काफी घबरा रहा था। लेकिन मैनी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो सर। हाँ, सामान रखना शुरू कर दूं क्या मैं? हाँ बिल्कुल। रख रहा हूँ। रुक जाइए। हाँ, अब क्या हुआ बच्चे? प्लीज बहुत ध्यान से सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं मैनी, ऐसा नहीं हो सकता। ओ लेकिन वो है। हाय दोस्तों। हेलो, किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने आज मैनी को देखा। मैं बस टीटीपो को वही बता रहा था। मैंने भी उसे देखा। मैनी और मैं फूल देखने जाएंगे। उसे भी फूल उतने ही पसंद है जितने की मुझे। क्या सच में मैनी ने कहा उसे फूल पसंद है? हाँ, हमारी बहुत सारी बातें मिलती जुलती है। फूलों की खुशबू का जवाब नहीं। मुझे लगता है तुम लोगों से गलती हो रही है। हमसे नहीं, तुमसे हो रही है। सही कहा, जैसा तुमने बताया वो उससे बिल्कुल ही अलग है। ओ, कितनी अजीब बात है। उसी समय सिंह सिंह ने भी नई ट्रेन को देखा। हाँ? ये जरूर मैनी होगा। आपका स्टेशन आ गया। मेरा काम खत्म। हेलो। हेलो। हाँ, ये इतनी जल्दी स्टेशन तक कैसे पहुँच गया? क्या कोई मालगाड़ी मेरी जितनी तेज हो सकती है? हो गया, काम पूरा हो गया। काम पूरा करने के बाद मैनी वापस चूचू शहर आ गया। टीटीपो। ओ, मैनी आ गया। हाय मैनी। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैनी, क्या तुम्हें सच में फूल पसंद है? तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना। जब क्रेनी सामान रख रही थी तुम्हें डर लग रहा था। मैंने बताया ना, वो डर रहा था। माफ करना, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मालगाड़ी इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है। तेज? अब समझ में आया। हाँ? तुम भी जल्दी समझ जाओगे। हेलो। कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ। एक जैसी दो मालगाड़ी, यहाँ तो दो मैनी है। हम जुड़वा भाई हैं। मेरा नाम बर्नी है। जुड़वा भाई? हाँ, देखने में एक जैसे लेकिन है बहुत अलग। बिल्कुल सही। तो जो फूलों को देख रहा था वो? वो मैं था। और मैंने जिसे देखा, क्या वो भी तुम थे? हाँ। आ, ये
ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पुल पर देखा था उसके बाद तुम स्टेशन इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? जिसे तुमने स्टेशन पर देखा वो मैं हूँ, और पुल के ऊपर से मैं निकला था। हाँ? तुमने पहले मुझे देखा फिर मैनी को। अब समझ आ गया सब। तुम दोनों तो सच में एक जैसे लगते हो। हाँ, मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी। वैसे हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। जरा ध्यान से देखो, हम थोड़े अलग हैं। हमारी धारियाँ भी अलग है, देखो। अब ध्यान दिया मैंने। तुमसे तो मैं मिला ही नहीं। मेरा नाम है टीटी बो। मैं हूँ चीनी। मेरा नाम सिंह सिंह है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। और मैं यहाँ की सबसे दमदार मालगाड़ी डीजल। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। हम चूचू टाउन में तुम्हारा स्वागत करते हैं। चूचू शहर में दो नए दोस्त आए, उम्मीद है सब मिलकर रहेंगे। चलो अच्छे दोस्त बन जाएं। लगता है छोटी रेलगाड़ियां गप्पे मार रही हैं और मजे कर रही हैं। तो सबसे अच्छी मालगाड़ी को ट्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। वाह, क्या सच में? ऐसा ही हुआ था। सिंग सिंग आई है, इसका काम खत्म हो गया होगा। सिंग सिंग। हाय सिंग सिंग। हेलो। सुनो सिंग सिंग, यहाँ आ जाओ, डीजल मजेदार कहानी सुना रहा है। सच कहा, मेरी तो हंसी नहीं रुकी। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी कहानी फिर से सुना सकता हूँ। सॉरी, मुझे आज जल्दी सोने जाना है। बाय। ठीक है। मुझे पता था। क्या पता था? यही कि सिंह सिंह हमारे साथ नहीं खेलना चाहती। मुझे लगता है सिंह सिंह को अकेले रहना ज्यादा पसंद है। वो कभी हाय कहने के लिए धीरे नहीं होती और हंसती भी नहीं है। क्या सच में? हमेशा अकड़ में रहती है। मैं अकड़ में नहीं रहती, कल मुझे सुबह काम के लिए जल्दी उठना है। चूचू शहर में एक नया दिन। सिंग सिंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो सिंग सिंग, नहाने जा रही हो क्या? हाँ टीटीपो। डीजल ने सही कहा, सिंह सिंह कभी भी मुस्कुराती या हंसती नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है अब। सिंह सिंह लाला, मैं मिस्टर हर्ब की तरह लग रहा हूँ ना? हाँ थोड़े थोड़े तो। टीटीपो, तुम तैयार हो? काम पर जाने का समय हो गया। अरे वाह। तुम हंस पड़ी। टीटीपो, अगर तैयार हो तो अपने रूम पर जाओ। ठीक है। मैंने वैसे ही बोला था ना। हाँ। स्टेशन आ गया। चलो पहुंच गए। काम पूरा हो गया। सिंग सिंग, मेरे लिए रुको। हाय टीटीपो। तुम सच में तेज हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है तुम लकी हो। सच में? क्यों? तुम सबके बहुत अच्छे दोस्त हो टीटीपो। मुझे भी सबका दोस्त बनना है, पर मुश्किल है। हाय सिंह सिंह। बाय सिंह सिंह। मैं सबसे बहुत ज्यादा तेज हूँ और मैं बहुत कम स्टेशन पर रुकती हूँ, तो मैं हाय भी नहीं कह पाती, लेकिन मैं सबकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। तुम अच्छे दोस्त बनाना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम करोगे? विश्वास करो, मैं कर सकता हूँ। मेरे पीछे आओ। ठीक है। टीटीपो ने फैसला किया कि वो दूसरों से दोस्ती करने में सिंह सिंह की मदद करेगा। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम सबको हंसाओ। सबको हंसाना है? मुझे देखो। आ? आ?
देखा, हंसी आई है ना? हाँ। बढ़िया, अब तुम कोशिश करो। मैं? मुझे ये सब बहुत अजीब लगेगा। इससे सबको हंसी आएगी, देख लेना। चलो ठीक है। ये कैसा था? लगभग ठीक किया, चेहरे को थोड़ा और बनाने की कोशिश करो। ये बिल्कुल ठीक था। पर ये बहुत मुश्किल था। अब हम स्पीड पर काम करेंगे। स्पीड तो मेरी बहुत तेज है ही। सिंग सिंग। रुक जाओ। क्या हुआ टिटिपो? मैं तो बस कहना चाहता था स्पीड कम करो। स्पीड कम करूं? हाँ। तुम हमसे तेज हो तो हम सबके लिए तुम्हारे साथ चलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा धीरे चलने की कोशिश करो। तब तुम्हें हमसे बात करने का समय मिल जाएगा। तुम ऐसा करोगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, धीरे चलो धीरे चलो। अब तीसरी बात, अपने दोस्तों की तारीफ करो। तारीफ? हाँ, सभी ट्रेन्स को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अच्छा तो मेरी तारीफ करो। तुम्हारी? अभी करूँ? हाँ, शुरू करो। मैं जानता हूँ मेरी बहुत खूबियाँ गिनवाई जा सकती हैं। तुम सबसे अच्छी रेलगाड़ियों में से एक हो। सच में? मुझे भी लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी कौन सी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगी, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब चलो भी, बताओ ना। टिटिपो टिटिपो। टिटिपो से सीखने के एक दिन के बाद दोनों अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। लो वो आ गए। तुम ये कर सकती हो। टिटिपो। सिंग सिंग भी यहाँ है। हेलो। हेलो दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे वाह, दिखाओ ना दिखाओ ना। क्या दिखाना चाहती हो? ठीक है, दिखाओ हमें। तैयार हो? सिंग सिंग, क्या हुआ तुम्हें? बीमार तो नहीं? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी से टीओ को दिखाओ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो। कुछ तो अजीब है। सुनो दोस्तों, सिंग सिंग तुम दोनों को कुछ बताना चाहती है। अच्छा, क्या बात है? शुरू हो जाओ। अब तुम जल्दी से इन दोनों की तारीफ करो। जेनी, मुझे लगता है तुम एक मजबूत और बहुत मेहनती रेल हो। तुम्हें सच में लगता है मैं मजबूत हूँ? हाँ। डीजल, तुम बहुत साफ सुथरे और प्यारे हो। सिंग सिंग, मुझे लगता है तुमने उल्टा बोल दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि जिनी साफ सुथरी और डीजल बहुत ताकतवर है। मैं ठीक से नहीं कह पाई। मैंने पहले तुम्हें गलती करते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं सच में मजबूत हूँ। और मैं जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा साफ हूँ। काम बन गया। टिटिपो, सिंग सिंग, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं सबकी दोस्त बन पाई। देखा सिंग सिंग, मैंने कहा था ना मैं मदद कर सकता हूँ। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है। कौन सा काम? एक साथ घूमने के लिए जाना। कहीं घूमने के लिए जाना है? बाहर घूमने जाना दोस्ती बढ़ाने का अच्छा तरीका है। तुम जाकर डीजल और जीनी से पूछो कि वो हमारे साथ घूमने चलेंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों। अब उनसे पूछो, जाओ ना। क्या हम चारों घूमने के लिए साथ चले? बहुत अच्छा आइडिया है, सब जाएंगे तो कितना मजा आएगा।
मैं तैयार हूँ। मैं भी। आखिरकार पिकनिक पर जाने का दिन भी आ गया। वाह, कितना अच्छा दिन है। सच में बहुत अच्छा। बंदरगाह सबसे अच्छी जगह है क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। रास्ते में बात करना कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो समुद्र नजर आने लगेगा हमें। हाँ। सिंग सिंग। जी मिस्टर हर्ब। आज बहुत ज्यादा टूरिस्ट हैं, इसलिए हमें एक्सप्रेस ट्रेन की जरूरत है। क्या तुम आज दोपहर को काम कर सकती हो? जी। शाबाश, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ। ठीक है। क्या तुम्हें सच में जाना पड़ेगा? हाँ मिस्टर हर्ब, को मेरी जरूरत है। पर हम बस पहुँचने ही वाले हैं। सॉरी दोस्तों। मैं सिंग सिंग के साथ खेलना चाहती थी। मैं भी। हाँ, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। सच में? मेरे पीछे आओ। ए रुको। सिंग सिंग ने काम पूरा कर लिया है और अब घर लौट रही है। काश मैं पिकनिक पे जा पाती। सिंग सिंग। कैसी हो दोस्त? अरे दोस्तों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो पिकनिक? हम तुम्हारे बिना घूमने कैसे जा सकते थे? साथ में घर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। पिकनिक हम फिर कभी चले जाएंगे। शुक्रिया, तुम सब बहुत अच्छे हो। हमें शुक्रिया मत बोलो, अच्छे दोस्त ऐसे ही होते हैं। सही कहा। अपने अच्छे दोस्तों की वजह से सिंग सिंग आज बहुत खुश नजर आ रही है। मैं जाऊंगा खदान में। खिली हुई धूप के साथ सुबह हो रही है। ये आया टीटीपो। गुड मॉर्निंग मिस्टर हब। हेलो टीटीपो, आज तुम्हारी छुट्टी है। मुझे पता है आज मुझे काम नहीं करना। क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? क्यों नहीं, जाकर खेलो। वाह, मजा आएगा। बाद में मिलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। बाहर आकर कितना अच्छा लगता है। डीजल। हेलो डीजल। हेलो टीटीपो, कैसे हो? तुम कहाँ जा रही हो? आज मेरी छुट्टी है इसलिए बाहर खेलने आ गया। मुझे खदान में जाना है कुछ पत्थर लाने के लिए। क्या खदान में? खदान क्या होती है? वहाँ पर पत्थर निकालते हैं और मेरा काम बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। हाँ, तुम भी चलना चाहते हो? क्या मैं आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आ जाओ तुम भी। मेरे लिए रुको। टीटीपो डीजल के पीछे पीछे क्वारी यानी खदान में गया। डीजल, अभी और कितनी दूर जाना है? बस पहुंचने वाले हैं। तुम हर बार यही कहते हो लेकिन हम चलते ही जा रहे हैं। सब्र रखो मेरे दोस्त। हे, वो रही खदान। वाह, कमाल की जगह है। संभाल के, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो कहा ही था मैंने तुमसे। हे डीजल। कैसे हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा काम पूरा हुआ, तुमसे बाद में मिलता हूँ दोस्त। ठीक है, ध्यान रखना अपना तुम। यहाँ से ये चट्टाने निकाल कर मशीन में डाल देते हैं, फिर वो बड़ी चट्टाने मशीन में टूट कर छोटे पत्थर बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। फिर वो छोटे पत्थर हमारे डब्बों में भर दिए जाते हैं ले जाने के लिए। ये सब कितना कमाल का है। ये क्या हो रहा है? वहाँ ऊपर देखो, वो पहाड़ तो टूट रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो डीजल। तुम डरो मत, वो विस्फोट कर रहे हैं चट्टानों को तोड़ने के लिए। ओ, अब समझा। अगला नंबर तुम्हारा। ठीक है, यही इंतजार करो। ठीक है। डीजल खदान पर पहुंच गया है। डीजल हाजिर है। ठीक है, अपनी जगह पे आ जाओ। ठीक है।
अब पहुंच गया, लोडिंग के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। मैं पूरा भर गया हूँ। डीजल। चलो चलते हैं। तुम्हें लगता है तुम इसे खींच लोगे? ये तो सभी मालगाड़ियों के लिए आम बात है। क्या सच में? बिल्कुल, उस तरफ देखो। तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत मजबूत है। हाँ सही कहा। हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए। क्या ये हमेशा ऐसे ही गाते हैं? हाँ, काम करते हुए गाना गाने में मजा आता है। मुझे भी ये गाना आता है। 1 2 3 4 बढ़े चलो बढ़े चलो, 1 2 3 4 बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, 1 2 3 4 मालगाड़ी आ गई यार, हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए तालियाँ। ये बिल्कुल नहीं थक रहे हैं, कमाल की बात है। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, 1 2 3 4 मालगाड़ी आ गई। तो तुमको खदान में आकर कैसा लगा? मुझे सच में बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ मैं खदान में काम करूँ। शायद तुम्हें इस काम के लिए नहीं बनाया गया। क्यों? मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा। टिटिपो टिटिपो। अगले दिन सुबह टीटीपो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। काम शुरू। हम अब चलते हैं। हेलो मिस्टर हब। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग टीटीपो। तुम पर इतनी सारी धूल क्यों लगी है? तुम्हें हमेशा खुद को साफ रखना चाहिए। लेकिन धूल में तो मैं अच्छा लगता हूँ। इस समय तो मुझे काम पर जाना है, तो वापस आकर मैं खुद को धो लूंगा। मुझे पता है तुम्हें अभी जाना है, लेकिन अगली बार अपने आप को साफ करके आना। ठीक है, फिर मिलते हैं मिस्टर हब। कल जो वो मालगाड़ियाँ देखी थी कितनी अच्छी थी। 1 2 1 2 ये बिल्कुल भारी नहीं है। अरे वाह। मैं तो स्टेशन पर पहुंच गया। आज मैं तेज आवाज में बोलूंगा, जैसे उन ट्रेन्स ने किया था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो चलो चलते हैं। मुझे भी वो वाला गाना गाना चाहिए। बढ़े चलो बढ़े चलो, 1 2 3 4 मालगाड़ियाँ गई यार, हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए तालियाँ। बढ़े चलो बढ़े चलो, 1 2 3 4 बढ़े चलो बढ़े चलो। मैं वापस आ गया मिस्टर हब। टीटीपो, ये बताओ तुम्हारे रूट पर आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं। मुझे पता चला है कि तुम यात्रियों से चिल्ला कर बोले और फिर ऊंचा ऊंचा गाने लगे। कल खदान में मैं कुछ अच्छी ट्रेन से मिला था, मैं बस उनके जैसा बनना चाहता था। लेकिन तुम मालगाड़ी नहीं हो, तुम यात्री गाड़ी हो। अगर तुम ऊंचा बोलोगे या गाओगे तो सब परेशान हो जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन हमेशा चुपचाप काम करने में मजा नहीं आता। मुझे जोश वाला मजेदार काम चाहिए। यात्रियों को लाना ले जाना भी मजेदार काम है,
आज के बाद से तुम अपनी आवाज धीमी रखोगे। जी सर। फ्रेट ट्रेन बनना ज्यादा मजेदार है। शायद मैं फिर से खदान में जाऊंगा। मालगाड़ी को काम करता हुआ देखने के लिए टीटीपो खदान की तरफ चल पड़ा। वाह! पता नहीं डीजल कहाँ है। वहाँ पर है डीजल। टीटीपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखने आया हूँ। लेकिन ये मेरा आज का आखिरी चक्कर है और दूसरों का भी घर जाने का वक्त हो गया। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें काम करते देखना चाहता था। हे दोस्त, तुम यात्रियों को ले जाने वाली रेल हो ना? मैं? हाँ, ठीक कहा। लेकिन सर, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम हमें शहर के स्टेशन तक ले जा सकते हो? मैं लेके जाऊँ? हाँ, हमारी ट्रेन खराब हो गई है, इसलिए यहाँ नहीं आ सकती। एक दूसरी गाड़ी भी है, लेकिन अभी बहुत दूर है। जरूर, मैं आप सबको लेके जाऊँगा। अगर मैं ऊंचा ऊंचा बोलूंगा तो यात्रियों को परेशानी होगी। आप सबका स्वागत है। कितनी अच्छी रेल है। सही कहा। तो चलो चलते हैं। आराम से, धीरे धीरे। जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। टीटीपो अपने खास यात्रियों के लिए ज्यादा ही सावधान है। सुरक्षित और आरामदायक हम पहुंच गए। आखिरकार पहुंच गए। टीटीपो की वजह से मैं आराम से सो पाया। हमें पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अब हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे और जल्दी भी। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो। हाय डीजल। तुम्हारा सफर तो अच्छा रहा ना? हाँ। तुमने उनका समय बचा लिया। हाँ बिल्कुल, यात्रियों को लाना ले जाना भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुझे लगा तुम मालगाड़ी बनना चाहते हो। नहीं, अब नहीं। अपने यात्रियों को इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई। पर तुम मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते। गलत कहा। तुम अच्छे हो तो मैं बहुत अच्छा हूँ। सच कहूँ तो आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। सच में? बिल्कुल ठीक। सामान या यात्रियों को लाना ले जाना दोनों जरूरी हैं। टीटीपो, डीजल, तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया।